Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आमतौर पर जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो दो तीन चीजें बड़ी सिमिलर होती हैं हर एनकाउंटर में। एक, जिसका एनकाउंटर होता है वो मोटरसाइकिल पर भाग रहा होता है, कभी पैदल नहीं होता वो, कार में भी कम ही होता है कार में, लेकिन कम, मेजोरिटी जो है वो मोटरसाइकिल पर होता है। मोटरसाइकिल पर जब वो भागता है तो अमूमन ये भी दिखाया जाता है कि मोटरसाइकिल चोरी की है, और कई बार तो ये पता ही नहीं चलता कि वो मोटरसाइकिल है किसकी। ये एक कॉमन चीज़ है। अब मैंने आपको अभी जो सुल्तानपुर में एनकाउंटर हुआ मंगेश यादव का, उस भरत ज्वेलर्स के डाके के बाद, उसको लेकर कुछ तस्वीरें आई, और मैंने कहा था कि एक ऐसी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी जो 8 दिन पहले हुई और 8 दिन बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई, और जिसकी मोटरसाइकिल थी वो भी सामने नहीं आ रहा। लेकिन फिर हमारी टीम आखिर वहाँ तक पहुँच गई, और जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई हमने उससे बातचीत भी की, और उसके घर वालों ने, उसके फादर, उसके मदर ने पूरी कहानी सुनाई। तो इनकाउंटर की, इस मोटरसाइकिल की जो पूरी पहेली है वो आज आपके सामने पूरी कहानी की शक्ल में है। कहानी की शुरुआत ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आप इस मोटरसाइकिल को देखिए। ये ठीक इनकाउंटर के बाद, जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, तो क्राइम ऑफ सीन या जहां पर ये इनकाउंटर हुआ, ये उस जगह पर मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। पुलिस का कहना था कि वो भाग रहे थे, बैलेंस बिगड़ा और मोटरसाइकिल गिरी, फिर गोली चलाई उन्होंने चलाई और मंगेश यादव मारा गया। तो ये वो मोटरसाइकिल है जो गिरी हुई है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर है। ये उसी भरत ज्वेलर्स के ठीक बाहर, शोरूम में ही सीसीटीवी कैमरा लगा था बाहर का, और उसमें ये दो बाइक या मोटरसाइकिल जो भी कहें, ये खड़ी हुई दिख रही है। उसके बाद जब लूटपाट हो जाता है तो अचानक अंदर से लुटेरे आते हैं 5। लूटपाट जो किया उन्होंने, उसका जो सामान था वो लेकर, ये आगे वाली जो मोटरसाइकिल है इस पर 2 लुटेरे बैठते हैं और वो निकलते हैं। उसके ठीक पीछे एक और मोटरसाइकिल है, एक इस तरफ भी है लेकिन उनके ठीक पीछे एक और बाइक है। उस बाइक पर अब 3 लुटेरे बैठते हैं और इस तरीके से 3 और 2 5 निकलकर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल है। तो एक इनकाउंटर की आपको तस्वीर दिखा दी मोटरसाइकिल की, एक ये 2 जो भाग रहे हैं, और ये मोटरसाइकिल कैमरे में कैद है। अब लगे हाथ FIR की कॉपी देख लीजिए। ये FIR 28 अगस्त को दर्ज हुई रात 8:11 पर, और ये जो FIR दर्ज हुई है जिस मोटरसाइकिल की चोरी की, ये चोरी हुई थी 20 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे। लेकिन FIR में आप टाइम देखिए और तारीख देखिए, 28 अगस्त 8:11 पर, यानी कि जब भरत ज्वेलर्स में डाका पड़ा करीब 12:15 से 12:30 के दरमियान, उसके 8 घंटे के बाद 8 दिन पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल कि FIR अचानक दर्ज होती है। तो ये आपने 3 तस्वीर देख ली। अब चलिए चौथे शख्स से भी मिल ली। इनका नाम नसीम है, और ये जो नसीम है, ये जो FIR आपने देखी, ये FIR इन्हीं की है, और ये वही नसीम है जिनकी मोटरसाइकिल 20 अगस्त को जौनपुर के पार्थ अस्पताल के बाहर से चोरी हुई थी। 20 अगस्त को जैसे ही ये गए थे वहाँ पर जब चोरी हुई, तो अपनी अम्मी को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास, वहाँ दिखाया, उसके बाद बाहर आया तो गायब। इन्होंने फौरन इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। 112 नंबर पर पुलिस को कॉल किया, वहीं हॉस्पिटल से, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ये कोतवाली गए कंप्लेंट लेके, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये भटकते हुए शाम रात को घर लौटे उदास, मोटरसाइकिल चोरी। फिर अगले दिन गए 21 अगस्त, कोई FIR दर्ज नहीं। फिर 22 को गए, कोई FIR नहीं। फिर 23 को गए, कोई FIR नहीं। अब नसीम से ही पहले सुन लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, पिता का नाम मकबूल अहमद, मैं कादीपुर का निवासी हूँ। मैं अम्मी का इलाज कराने जौनपुर सुभाष डॉक्टर हड्डी वाले के पास गया था। वहाँ से मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मैं जो है पुलिस को जो है फ़ोन किया, और उसके बाद जो है 112 भी डायल किया। मेरी मुकदमा जो है 28 तारीख को लिखा गया। अब नसीम की हो गई। अब नसीम के फादर जो हैं उनकी भी सुन लीजिए
कि कैसे उनका बेटा लगातार कोतवाली जाता रहा 22 के बाद 21 22 23 ये उनके पिता कह रहे हैं। 23 देरी सुल्तानपुर आना जौनपुर आना जाना बहुत भारी पड़ रहा था। बोले अच्छा नसीम चलो गाड़ी में बैठो थाने पे चलना है। उसके बाद थाने ले गए, मैं बोला मैं भी चलूँ सर, बोले नहीं नसीम को जाने दो। नसीम को ले के थाने गए, थाने से जौनपुर चले गए। रात भर वहाँ थे सब बच्चे वगैरह सब घर में बहुत परेशान थे। सुबह मतलब हुई बात हुई नसीम से, नसीम बोला ठीक है। फिर उसके बाद शाम को ला के सर छोड़े यहाँ। उसके बाद जैसे हम उसको लेके आए कादीपुर से, वैसे थोड़ी पानी वानी पिया घर पे, तैसे फिर फोन आ गया कि नसीम चलना है जौनपुर, फिर लेके चले गए। तो अब सारे कैरेक्टर और सारी तस्वीरें आपके सामने आ गई, अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी यह है कि 28 अगस्त की दोपहर को, बल्कि शाम होने वाली थी, नसीम अपने घर पर था। अचानक जौनपुर पुलिस के कुछ लोग घर पर आते हैं और कहते हैं आपको चलना पड़ेगा। घर वाले परेशान, क्या हो गया? पुलिस आए किसी भी घर पे तो वैसे ही लोग घबराते हैं। अब 28 की शाम को नसीम को ले गए। नसीम ने कहा घबराने की बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उसको सुल्तानपुर ले गए, वो वहीं रहा पूरी 28 रात को, घर नहीं लौटा। 29 की दोपहर को उसको लाकर छोड़ दिया। अब वो 29 को घर पहुँचा, ठीक ठाक था वो। फिर शाम को पुलिस वाले आए लोकल कि एक बार और चलिए, फिर ले गए, फिर रात को छोड़ा। उसके बाद वो फिर गए, यहाँ तक कि आज भी गया। अब उससे सारी पूछताछ होती रही। आज मैंने खुद, हमारे जो रिपोर्टर हैं उन्होंने तो बात की वहाँ पर आदित्य ने, लेकिन आज मैंने खुद फ़ोन पर बात की फिर नसीम से। नंबर उसी FIR में लिखा हुआ है उसका, तो मैंने कहा लौट ही करते हैं, तो बातचीत हो गई। तो मैंने कहा पूरी कहानी क्या है? तो जो नसीम ने कहानी सुनाई वो ये है कि जब पुलिस उसको लेकर गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। उसने कहा हाँ साहब चोरी हुई। तो उन्होंने कहा तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? उसने कहा जी ये देखो मेरे पास कंप्लेंट बार बार कोतवाली जा रहा हूँ, थाने जा रहा हूँ, 112 नंबर पर कॉल किया हूँ, सब रिकॉर्ड पर है। जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने मदद की पर कोई सुनने वाला ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मोटरसाइकिल का नंबर मिला है और मिल गई है तुम्हारी मोटरसाइकिल। अब वो बड़ा खुश कि चलो भाई दिखा दो। बोला नहीं वो एक डाके में इस्तेमाल हुआ है, तुम कहाँ थे? अब उसने बारे में अपनी सारी चीज़ें बताई, मैं यहाँ पर रहा हूँ, इतने तारीख को यहाँ था, मोटरसाइकिल की कंप्लेंट दिखा रहा था। ये सब पूछताछ होती रही लेकिन उसे मोटरसाइकिल नहीं दिखाई, अगले दिन भी नहीं दिखाई, आज की तारीख तक उसको मोटरसाइकिल उसकी नहीं दिखाई गई है। अब मैंने उससे पूछा कि जो इनकाउंटर हुआ और जो इनकाउंटर में खुद STF की टीम ने तस्वीर दिखाई है मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद जो ज़मीन पर गिरी हुई है, नसीम का कहना था कि ये मोटरसाइकिल उसकी नहीं है, उसकी मोटरसाइकिल ग्रे रंग की है, ये कोई और मोटरसाइकिल है। तो अब सवाल ये है कि जिस इनकाउंटर जब हुआ वो मोटरसाइकिल किसकी है? क्योंकि नसीम की FIR 8 दिन बाद बेशक दर्ज हुई लेकिन वो तो है ही नहीं। तो फिर नसीम ने कहा कि मैंने CCTV फुटेज देखा और CCTV फुटेज में जो दो मोटरसाइकिल है आगे और पीछे जिसपे लुटेरे दो लोग बैठ कर गए थे चोरी का माल लेकर, उसने कहा वो मोटरसाइकिल मेरी लग रही है आगे वाली, लेकिन एनकाउंटर में उस मोटरसाइकिल का यूज़ नहीं हुआ, यानी मंगेश यादव उस पर नहीं भाग रहा था। अब पीछे वाली मोटरसाइकिल है किसकी है ये पता नहीं, पीछे वाली मोटरसाइकिल का एनकाउंटर में यूज़ हुआ पुलिस कहने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं। तो ये है कि नसीम को ना उसकी मोटरसाइकिल दिखाई गई, कहाँ है, क्या हुआ, STF ने उसको कहाँ से बरामद किया, कैसे बरामद किया, नंबर प्लेट उसमें दिख नहीं रहा, तो फिर वो नसीम के घर तक कैसे पहुँच गई पता करते करते, क्या उस दौरान में STF ने ये सारी छान मारी थी किस किस की बाइक चोरी हुई है तो पता करो, और उसके बाद फिर FIR दर्ज कराया आनन फानन में, क्योंकि 8 दिन से वो बंदा भटक रहा था तब तो दर्ज किया नहीं। अब जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर नसीम से पूछा कि ये बताओ कि जब तुम्हारी 20 अगस्त को चोरी हुई बाइक, तो आदमी आजकल तो ढूंढता है, हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। उसने कहा अस्पताल में भी था, तो जिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुभाष नाम है वो हड्डी के एक स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्होंने मदद की, उन्होंने कहा थोड़ा मरीज़ कम हो मैं तुम्हें CCTV फुटेज दिखाता हूँ। उन्होंने उसको CCTV कैमरे दिखाए और उस कैमरे में अचानक उस बाइक के पास तीन लड़के खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन वो फुटेज इतना धुंधला है, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम या कुछ और, कि उनमें से किसी का चेहरा साफ दिख ही नहीं रहा है। फिर भी मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने मंगेश यादव को जानते हो? उसने कहा कि अब तो तस्वीर देखी मीडिया में इनकाउंटर के बाद।
तो क्या तुम ये कह सकते कि उन तीन लड़कों में मंगेश यादव था? उसने कहा, नहीं, तस्वीर ऐसी धुंधली है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ। तो उन तीन लड़कों में से कौन था ये पता नहीं। ये कहानी का एक पार्ट, मोटरसाइकिल की पहली अभी भी अनसुलझी है। अब आइए कि मान लेते हैं कि उन तीन लड़कों ने जो 20 अगस्त को कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक मंगेश, मान लेते हैं मंगेश यादव, और उसने चुराई। तो फिर सवाल है कि 20 अगस्त को मोटरसाइकिल चोरी हुई, 20 अगस्त से लेकर 28 अगस्त, और या फिर बल्कि बात कहें कि 2 सितंबर, क्योंकि 2 सितंबर को मंगेश को उसके घर से उठाया गया था, तो 20 से 28 अगस्त तक ये मोटरसाइकिल कहाँ थी, और क्या ये मोटरसाइकिल मंगेश यादव के घर पर थी, और क्या 2 सितंबर को भी घर पर थी, और अगर घर पर थी तो पुलिस मंगेश को तो ले गई, मोटरसाइकिल क्यों नहीं उठाया। तो यहाँ पे एक और चश्मदीद है, मंगेश यादव की बहन प्रिंसी। प्रिंसी का ये स्टेटमेंट है कि 28 अगस्त जिस दिन ये डाका पड़ा दोपहर 12:15 बजे, 10 बजे से 2 बजे के दरमियान मंगेश यादव, उसका भाई उसके साथ था, और वो उसको स्कूल लेकर गए, और स्कूल जाने के बाद उसने फीस जमा किया। तो उससे पूछा गया, आपके भाई के पास को मोटरसाइकिल, आप स्कूल कैसे गए? तो उसका भी बयान है, और उस बहन का बयान उसकी ये है कि हमारे भाई के पास पैसे नहीं तो मोटरसाइकिल कहाँ से आएगा। हमारे एक पड़ोसी से जब भी अगर उसे कहीं जाना होता तो एक पड़ोसी से मोटरसाइकिल लेता था उधार, और उस पर बैठकर जाता था। उस दिन 28 अगस्त को भी स्कूल फीस जमा करने के लिए अपनी बहन को उसी पड़ोसी के मोटरसाइकिल पर बिठाकर वो उसे स्कूल ले गया, फिर वापस छोड़ा और मोटरसाइकिल वापस पड़ोसी को दे दिया। तो पड़ोसी भी इसमें विटनेस है, और ये बयान खुद उसकी बहन का है जो कैमरे पर कह रही है। नहीं, बाइक भी नहीं है, बाइक नहीं है घर में, नहीं बाइक भी नहीं है। तुमको स्कूल कैसे ले गया? बगल के भाई हैं उनके, उनसे लेकर तब हमको गए थे स्कूल। हाँ, स्कूल तब हम लोग गए थे। घर में कोई गाड़ी नहीं है? नहीं। तो मोटरसाइकिल 20 अगस्त को चोरी हुई, 28 अगस्त तक कहाँ है किसी को पता नहीं है, मंगेश के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है, और अचानक उसके बाद एक दूसरी मोटरसाइकिल इनकाउंटर की जगह पर दिखाई जाती है, वो मोटरसाइकिल किसकी है पता नहीं। जो नसीम की मोटरसाइकिल है वो दुकान के बाहर खड़ी हुई दिख रही है, वो वहाँ तक कैसे पहुँची पुलिस को पता नहीं। जो पीछे वाली मोटरसाइकिल है वो वही मोटरसाइकिल है जो इनकाउंटर में इस्तेमाल हुई, इसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है। तो फिर मोटरसाइकिल की पहली कहाँ से आई और ये है क्या? तो यही वो सवाल है जिसके जवाब सामने नहीं आ रहे हैं। और गवाह, पूरी आज टीम गई थी हम लोगों की, पूरे इलाके में लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि 28 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के दरमियान वहाँ क्या हुआ था। एक गलती ये भी कि कैमरा जैसे ही देखते हैं लोग पीछे हट जाते हैं कि भाई साहब हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जब कैमरा बंद होता है और आप आम नॉर्मल उनसे बात करते हैं, उन्हें लगता है कि चलो कोई सुन नहीं रहा, रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो कहानी बताते हैं और कहते हैं कि वो यहीं था। तो गांव वालों की गवाही के हिसाब से मंगेश यादव 2 सितंबर को वहीं था, 28 सितंबर को भी वहीं था। अब या तो फिर वो कोई जादूगर है जो 28 सितंबर को एक साथ अपनी बहन के स्कूल में भी था ठीक उसी वक्त, और एक साथ वहाँ से 91 किलोमीटर दूर है जहाँ पे ये स्कूल और उसका ये था, वहाँ से ये जो भरत ज्वेलर्स है 91 या 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 90 किलोमीटर और उस इलाके में उस रास्ते से अगर आप जाएँ तो मानकर चलते हैं कि 90 किलोमीटर का सफ़र तय करने में करीब करीब 2 से 2.5 घंटे, आप 2 घंटे भी पकड़ लीजिए, तो 2 घंटे में वो जाएगा और फिर स्कूल आएगा और फिर स्कूल से फिर वहाँ जाएगा, क्या ये मुमकिन है? तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल एसटीएफ ने दिया नहीं है। लेकिन आज हुआ ये कि ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग ने इलाके की डीएम को कहा है कि इस एनकाउंटर की हमें रिपोर्ट दीजिए। ये जो सवाल सामने आ रहे हैं कि वो लड़का गांव में था और पुलिस ने उसको घर से उठाकर ले जाकर एनकाउंटर किया है, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट दीजिए। ऑलरेडी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का आदेश दिया जा चुका है, अब ह्यूमन राइट कमीशन बीच में आ गई है, लेकिन क्या इसके ज़रिए सच्चाई सामने आएगी? मुझे लगता है कि अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अगुवाई में इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक शायद सच्चाई ना आए। कुछ क्राइम तक फैमिली मेंबर ने लिखा था कि सर है तो वो चोर ही था तो उसके लिए हमदर्दी क्यों, आपने सही कहा, लेकिन हमारा संविधान अपराधियों को भी उनका कुछ अधिकार देता है। बेशक वो क्रिमिनल हो, क्रिमिनल के साथ कभी किसी को हमदर्दी नहीं होनी चाहिए,
चाहे वो चोर ही क्यों ना हो, क्योंकि चोर को भी आप कहें अरे चोर ही तो करता है छोड़ दो, तो ये गलत होगा, क्योंकि उससे उसका हौसला बढ़ेगा, फिर वो बड़ा अपराधी बनेगा, कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिले। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल है, आप उसको उठाकर यूं ही आप उसकी जान ले लें, इसको इनकाउंटर नहीं कह सकते, फिर ये एक सरकारी किलिंग होगा, ये कत्ल होगा। और अगर यही सिलसिला रहेगा तो फिर हम ही लोग शिकायत करते फिरेंगे कि अरे वो बेकसूर था, उसने छोटा सा तो जुर्म किया था, उसको पुलिस ने ठोक दिया, इनकाउंटर कर दिया। तो मामला वहाँ तक पहुँचे उससे पहले ही हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ बात किसी अपराधी के सपोर्ट करने की नहीं है, यहाँ बात कानून की है, यहाँ बात ये है कि अगर एक इनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है तो उसके जवाब देने चाहिए, और ये जवाब मिलना चाहिए कि इस मोटरसाइकिल की पहली क्या है, 28 अगस्त 2 सितंबर का सच क्या है। तो ये सारी चीज़ें और सबूत सामने आएगा तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन ये कहना कि एक चोर है उसको सज़ा मिल गई तो क्या बोलना, ये परंपरा गलत हो जाएगी। ठंडे दिमाग से सोचिएगा आप लोग। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, आज प्रणाली, इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे प्रणाली, और ये रोहित ने भेजा है। आदित्य चौधरी का भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे आदित्य, और भेजा जसबीर भादू जी ने है। मोहम्मद असजत शरीफ, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे असजत, और ये भेजा है आथिया एंड तैयब शरीफ ने। सौम्या का भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सौम्या, और ये भेजा है अखिलेश कुमार ने, उनकी बिटिया हैं, और साथ में मनुलाल, मनुलाल जी ने ये भेजा है, बल्कि मोनूलाल ने भेजा है। अनुभव, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे अनुभव, भेजा अरविंद ने है। साथ ही नागेंद्र शर्मा जी का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे नागेंद्र जी। करण भाटिया, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे करण साहब, और ये चिंकी भाटिया जी के हस्बैंड हैं और बेटे इनके आरव। इसके अलावा प्रीशा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रीशा, और ये वरुण जी की बिटियां हैं, वरुण जी की। पायल का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे पायल, सुनील कुमार ने भेजा है। साथ ही हर्ष सोनी, हैप्पी बर्थडे हर्ष, इनका भी जन्मदिन, और भेजा अरविंद अहिर ने। सिकंदर चीमा जर्मनी में रेस्टोरेंट चलाते हैं, इंडियन, वेरी गुड, और पक्का कभी आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा सिकंदर साहब, एंड थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। हर्ष, अभिषेक, पवन, इसके अलावा ऋतिक, प्रशांत, दिनेश, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, कहानी सुनने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, और कल बात भी हुई थी मेरी फ़ोन पर, तो थैंक यू सो मच। अशरफ लखानी, ऑल द बेस्ट अशरफ साहब आपको। साथ ही परेश ठक्कर, थैंक यू सो मच। मुरुनल भोंडे, थैंक यू सो मच आपका भी। तो कहानी में आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।